जिन बड़े स्टार्स को देखने के लिए हम फिल्मों के लिए वेट करते हैं, रंजीत जी इतने खुशनसीब थे कि उनके साथ बैठ के वो कभी खाना खाते थे तो कभी गप्पे लड़ाते थे। मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पल जिंदगी के। मेरा एक और भी था कि आई नेवर यूज टू गेट दैट एक्साइटेड अबाउट थिंग्स यू नो हैपनिंग अराउंड मी। एक तो मैं मटेरियलिस्टिक बिल्कुल अभी तक नहीं हूँ, और दूसरा कोई अगर मुझे मिला है तो इट वाज डेस्टिन्ड टू मीट एंड देयर इज नथिंग। इतना होता था कि रिस्पेक्टफुल होता था मैं कि हाँ भाई दे आर अचीवर्स, दे आर समथिंग, दे आर नॉट ऑर्डिनरी यू नो। इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी। और दिल्ली में जब प्रीमियर वगैरह होते थे लोग आके बोलते थे हमने दूर से राज कपूर को देखा, अरे वहाँ से देखा तो बड़े बाल दिखाई दिए थे ना, उसी पे डिस्कशन होती थी ना। ही रिसीव्ड मी एंड फर्स्ट नाइट आई स्पेंट इन चेतनंद हाउस। अच्छा। ड्रिंक्स वगैरह चल रहे थे, इतने में एक कमरे में लड़की एंटर की। शी वॉज 5'10" टॉल, वेयरिंग वाइट ड्रेस, लूज हेयर, पिंक कलर, लुकिंग गॉर्जियस यू नो। She was Priya Rajavansh, you know? अच्छा। तो बैठ के हमने खाना वाना ड्रिंक्स वगैरह हुए, उसके बाद खाने में बैठे तो फिर खाने के बाद आम आ गए, तो आम जब काटे गए तो प्रिया चारों ही थे हम, छोटी टेबल थी, प्लेट में प्रिया ने पूरा का पूरा स्कूप काट के चम्मच और आम की विद द स्किन यू नो रख दिया प्लेट में। अब मैं बड़ा परेशान ही ना, मैं यार मैं गाँव वाला हूँ या कहाँ हूँ, ये क्या कहाँ आ गया, मैं बम्बई में चम्मच से आम खाते हैं ना। हमने भी खाया पर मजा नहीं आ रहा था। आम जाए साथ में चम्मच दांतों को लगे उधर स्टील का, वो सामने गुठलियों के ऊपर मेरी नजर लगी हुई थी। प्रिया को बोला कि कैन आई हैव दिस गुठलीज। ओह श्योर श्योर यू लाइक गुठलीज एंड ऑल दैट। तो मैंने ले लिया, उन्होंने प्लेट आगे कर दी और गुठलियां मैं लेके हाथ से खाना शुरू किया तो आई डिडंट रियलाइज कि It was not supposed to. वो बाद में मुझे पता लगा कि चेतन साहब बड़े यू नो इंग्लिश यू नो छुरी काटे वाले आदमी थे, उंगलियां कम इस्तेमाल करते थे। तो प्रिया ने बोला चेतन साहब को, चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं। उसके बाद फिर रात को सोया, फिर दूसरे दिन सुनील दत्त साहब के यहाँ मेरे को सन एंड सैंड में मीटिंग हुई। अच्छा। फिर तीसरे दिन राज कपूर साहब के यहाँ, क्योंकि ये आदमी जो था रणबीर सिंह, दैट फेलो हैड हिज ओन प्लेस यू नो इन देयर यू नो सर्कल, तो उसको रोज खाने में कोई ना कोई बुलाता रहता था। तो हर रोज उसके साथ में जैकेट वैकेट पहनी शाम को अपना तैयार होके। अच्छा। एक ही हफ्ते में यू नो आई मेट ऑल द टॉप नॉचेस यू नो। इसी कहानी को आगे बढ़ाते मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और 92.7 बिग एफएम। कुछ पल जिंदगी